तो इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि वीडियो को स्प्लिट किस प्रकार से किया जा सकता है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा था वीडियो को ट्रिम किस प्रकार से कर सकते हैं और उसके बाद वीडियो को कट किस प्रकार से कर सकते हैं, ये जानकारी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में दी है। तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे हम वीडियो को स्प्लिट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अभी तक यूकट वीडियो एडिटर डाउनलोड नहीं किया है तो उसे एक बार डाउनलोड करो, उसमें हम वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ ये वीडियो एडिटिंग हो रही है, तो यहाँ पर आप सीधे प्ले स्टोर पर जा सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ कोर्स की वीडियो है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो को स्प्लिट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल मैं बैक जाऊंगा और यहाँ पर मैं कुछ वीडियो ले लूंगा यहाँ से। एक बार जो वीडियो मैंने पहले ली है वही वीडियो है, तो मैं इसे क्या करता हूँ रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं कोई एक और वीडियो ले लेता हूँ। तो चलिए हमारे सामने कुछ न्यू वीडियो आ चुकी है, जो लास्ट वीडियो के अंदर थी वही नहीं है, अब न्यू वीडियो है। इसे आप प्ले करके देख पाओगे कि कुछ इस प्रकार से ये वीडियो चल रही है। तो इसे हमें स्प्लिट करना है। यहाँ पर आप ट्रिम वाले ऑप्शन पर वापस से क्लिक करोगे और यहाँ पर स्प्लिट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। इसका मतलब यह होता है कि स्प्लिट का मतलब कि आप को कहाँ से वीडियो को बीच में से कट करना है। जैसे कि आप कभी कुछ कागज बीच में से फाड़ते होंगे तो बीच में से टुकड़ा हो जाता होगा, जैसे वीडियो को भी एक तरह से टुकड़ा करना रहता है। तो ऐसे किस प्रकार से इसको टुकड़े में बांट सकते हो, यानी कि बीच में से कट लगाना हो, साइड में से लगाना हो, ये किस प्रकार से आप कर सकते हो ये यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ये वाली लाइन दिख रही होगी, इस लाइन को वहीं रखें जहाँ पर आपको वीडियो को स्प्लिट करना है। तो यहाँ मान लीजिए कि मेरे को इसमें बीसों बीस से करना है, तो ये यहाँ पर रखकर मैं इस राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वीडियो दो भागों में डिवाइड हो गई। तो यहाँ पर आप पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके फिल्टर भी लगा पाओगे। तो ये तो हम बाद में सीखेंगे, फिलहाल हम यहाँ पर सिर्फ वीडियो स्प्लिट किस प्रकार से करते हैं ये सीख रहे थे। तो चलिए आपने इस वीडियो के अंदर सीखा कि वीडियो को स्प्लिट किस प्रकार से किया जा सकता है, यानी कि वीडियो को दो भागों में हम किस प्रकार से बांट सकते हैं। आपके पास रोटी होगी तो रोटी को भी आप दो टुकड़ों में बीच में से आप तोड़ते हो, इसी प्रकार से वीडियो को भी हमें तोड़ना रहता है। तो आप इस प्रकार से तोड़ पाओगे या फिर स्प्लिट कर पाओगे सीधी भाषा में कहें। यहाँ पर ये बेसिक ट्यूटोरियल चल रहा है, यानी कि बेसिक वीडियो आप तक आ रही है, आगे एडवांस वीडियो भी आने वाली है जहाँ पर मैं सिखाऊंगा कि वीडियो एडिट करना, जो कि डिटेल में जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में मिलते हैं, वहाँ हम सीखेंगे कि म्यूजिक किस प्रकार से लगा सकते हैं।